हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज ऑफ यूकेजी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो लेट स्टार्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अपोजिट वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं पहले अपोजिट वर्ड के वर्ड मीनिंग्स बता दे रही हूँ। ओ एल डी ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा। वाई ओ यू एन जी यंग, यंग मीन्स युवा या जवान। डी ए वाई डे, डे मीन्स दिन। एन आई जी एच टी नाइट, नाइट मीन्स रात। एफ ए टी फैट, फैट मीन्स मोटा। टी एच आई एन थिन, थिन मीन्स पतला। एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स गर्म। सी ओ एल डी कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। टी ए डबल एल टॉल, टॉल मीन्स लंबा। एस एच ओ आर टी शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। डब्ल्यू ई ए के वीक, वीक मीन्स कमजोर। एस यू डबल एम ई आर समर, समर मीन्स गर्मी। डब्ल्यू आई एन टी आर विंटर, विंटर मीन्स सर्दी। यू पी अप, अप मीन्स ऊपर। डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, डाउन मीन्स नीचे। ये रहा सारे अपोजिट वर्ड्स के वर्ड मीनिंग्स। देखिए, यहाँ आपको अगर मान लीजिए कि कभी मैच करने के लिए मिले तो उसको मैच करने में आपको सुविधा होगी, इसलिए मैं आपको मैं आप सबको यहाँ ओ एल डी ओल्ड मीन्स बूढ़ा आपको बताई। तो ओल्ड और यंग, ओल्ड का अपोजिट यंग हो जाएगा। डे का अपोजिट नाइट हो जाएगा। फैट का अपोजिट थिन हो जाएगा। ये रहा आपका हॉट का अपोजिट कोल्ड हो जाएगा। ये टॉल का अपोजिट शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग का वीक, समर का विंटर, अप का डाउन। ये आपका अपोजिट वर्ड हो गया। अब मैं आपको फिगर के साथ कुछ सेंटेंस बता रही हूँ। अपोजिट वर्ड्स, लुक रीड एंड अंडरस्टैंड। देखो, पढ़ो और समझो। यहाँ आप लोग को फिगर के अनुसार मैं बता रही हूँ। देखिए, द मैन इज ओल्ड, द बॉय इज यंग। बच्चों, आपके घर में दादाजी होंगे ही, तो इससे आपको जाहिर हो जाता है, आपको समझ में आ ही गया कि दादाजी आपके ओल्ड हैं और आप यंग हैं। यहाँ फिगर में भी एक बच्चा अपने दादाजी के साथ है, दिख रहे हैं, दिख रहा है। यहाँ देखिए, द रैबिट इज स्मॉल, द लायन इज बिग। यहाँ रैबिट का फिगर छोटा, तो स्मॉल मीन्स छोटा होता है और बिग मीन्स बड़ा। शेर यहाँ बड़ा है। द आइसक्रीम इज कोल्ड, द कॉफी इज हॉट। सबको पता है कि आइसक्रीम ठंडा होता है और कॉफी गर्म होता है। द आइसक्रीम इज कोल्ड, आइसक्रीम ठंडा है। द कॉफी इज हॉट, कॉफी गर्म है। द एलिफेंट इज फैट, द हॉर्स इज थिन। एलिफेंट मोटा है और घोड़ा पतला है। हाथी का नाम लेते ही आप लोग के
दिमाग में ये एक फिगर सा बनने लगेगा कि नहीं, हाथी तो मोटा ही होता है, कभी भी हाथी पतला तो हो नहीं सकता। ऐसे में आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए, द काउ इज वाइट, गाय यहाँ सफेद है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि गाय केवल सफेद ही होती है, लेकिन आपको फिगर में दिखाने के लिए यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो सफेद वाली है गाय है, और यहाँ जो काली है वो भैंस है। द बुफालो इज ब्लैक, यहाँ गाय सफेद है और भैंस काली है। आप सबके घर में भी गाय भैंस अगर होगी होगी तो उसे देख के आपको कुछ मतलब जानकारी हो सकती है। अब यहाँ देखिए, द मैन इज टॉल, आदमी लंबा है। द बॉय इज शॉर्ट, यहाँ बच्चा छोटा है। इस लंबे आदमी से बच्चा छोटा दिख रहा है ना, और है भी छोटा। तो चलिए, ये हो गया आपका फिगर के साथ कुछ सेंटेंस। अब मैं कुछ आप लोग को इसी के आधार पर होमवर्क दे रही हूँ। मैच द फ्लोइंग, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। देखिए, आपको तो पहले फिगर के साथ भी बता चुकी हूँ और मीनिंग भी बताई हूँ कि ओल्ड का, यंग, डे का, नाइट, फैट का, थिन, अप का, डाउन। ये आप लोग मैच करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोजिट वर्ड, यहाँ खाली स्थान में कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसमें सेंटेंस पढ़ के आप अपोजिट वर्ड के को भरिएगा। द आइसक्रीम इज कोल्ड, पता है कि आइसक्रीम ठंडा होता है, आइसक्रीम का नाम सुन के ही ठंडा पता चल जाता है। द सन इज हॉट, सूर्य हमेशा गर्म रहता है, तो यहाँ हॉट होगा और यहाँ कोल्ड होगा। द बस इज बिग, बस कभी भी बड़ा होता है। द कार इज स्मॉल, कार की अपेक्षा बस कभी भी बड़ा होता है, और तो बिग मीन्स बड़ा और यहाँ कार है तो छोटा। द एलिफेंट इज फैट, द हॉर्स इज थिन, द स्नैक इज लॉन्ग, द अर्थ वर्म इज शॉर्ट, द मैन इज ओल्ड, द बॉय इज यंग। ये रहा आपका होमवर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।